हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, यानी कि आपकी आहार मात्राएं, आपको जो पौष्टिक तत्व हैं जो कितनी मात्रा में लेने हैं। 1993 में ICMR ने भारतीयों के लिए एक चार्ट बनाया, जिसमें उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट बताई। वो मैं आपको एक एक करके डिस्कस कर रही हूँ, आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स हैं, मैन, विमेन, इन्फेंट्स, चिल्ड्रन, देन बॉयज, गर्ल्स, इन अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से, ठीक है। पहला ये हो गया आपका। फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स, यानी कि वो किस तरीके का कार्य कर रहे हैं, हैवी वर्कर, सेडेंट्री वर्कर्स यानी कि बहुत कम कार्य करते हैं, मॉडरेट वर्कर जो कि मध्यम वर्ग के हो गए, हैवी वर्कर जो कि बहुत फिजिकल वर्क ज्यादा होता है। फिर उनका बॉडी वेट, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपका बॉडी वेट ज्यादा है तो आप रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग काउंट करके बढ़ा सकते हो, बॉडी वेट कम है तो उसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट। देन नेट एनर्जी, कितनी एनर्जी उनको चाहिए। फिर उसके बाद प्रोटीन रिक्वायरमेंट, कितना फैट चाहिए, कितना कैल्शियम और कितना आयरन। अभी हम ये वाले न्यूट्रिएंट्स को ही डिस्कस करेंगे और बाकी हम विटामिन्स उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम आते हैं मैन, मैन यानी कि पुरुष, ठीक है। पुरुष में तीन प्रकार के ग्रुप हो गए, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, सेडेंट्री, मॉडरेट एंड हैवी। सेडेंट्री जैसे कि मैंने बोला, कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और ज्यादा कार्य करने वाले पुरुष, तो तीन प्रकार के पुरुषों का ग्रुप बन गया। अब हमने उनका बॉडी वेट रिक्वायरमेंट क्या लिया है, बॉडी वेट उनका माना है 60, ठीक है। तो 60 किलो के हिसाब से अब उनको एनर्जी कितनी चाहिए, उनको कितनी कैलोरीज चाहिए, दैट मीन्स जो कम कार्य करता है उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 2320, ठीक है। और जो मॉडरेट है उसकी 2730 रिक्वायरमेंट बढ़ गई, और जो बहुत हैवी वर्कर है जो कि मजदूर टाइप के होते हैं, जो बहुत हैवी वर्क करते हैं, उनका रिक्वायरमेंट है 3490। यानी कि आप जिस तरीके का कार्य करते हो उस तरह से आपको कैलोरीज इनटेक होनी चाहिए। बहुत अधिक आप कार्बोहाइड्रेट और वसीय फूड लोगे तो आपका वेट गेन हो जाएगा। तो हमें हमेशा अपने वर्क के हिसाब से ही कैलोरीज यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है किलो कैलोरी पर डे, हम ये एक दिन की बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं प्रोटीन, प्रोटीन का हमने अभी पहले भी डिस्कस किया है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट डिपेंड्स अपॉन योर वेट, आपका जितना वजन होगा उतना ही प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है, उसको इसी तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो प्रोटीन आपको कितना लेना है, क्योंकि तीनों प्रकार के हमने पुरुषों में वजन कितना माना है 60, दैट मीन्स उनको प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी 60 है, 60 ग्राम्स पर डे। देन कम्स विजिबल फैट, जो फैट होता है उनको कितना लेना है, दैट मीन्स जो कम हम कह सकते हैं कम क्रियाशील है उनको 25 ग्राम लेना है पर डे, और जो मध्यम है उनको 30, और जो हैवी वर्कर्स हैं उनको 40 ग्राम पर डे लेना है। कैल्शियम रिक्वायरमेंट तीनों प्रकार के ग्रुप में 600 है, 600 माइक्रोग्राम पर डे, और आयरन जो है तीनों में 17 है, 17 माइक्रोग्राम पर डे। तो ये तो हो गया पुरुषों का। अब हम डिस्कस करेंगे मदर्स, मदर्स जो होती हैं इनमें हमने ज्यादा ग्रुप्स देखेंगे आप, इनमें एक तो तीन तो ग्रुप हो गए आपके, सेडेंट्री वर्कर यानी कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और हैवी वर्कर। इसके अलावा स्त्रियों में दो ग्रुप और बनाए गए हैं, जिसमें कि प्रेग्नेंट वुमन, ठीक है, गर्भावस्था। देन कम्स लैक्टेशन, जो धात्री माता होती है उसमें फिर से दो ग्रुप है, जब शिशु 0 से 6 मंथ्स का होता है, और फिर जब 6 से 12 महीने का होता है। तो इन डिफरेंट ग्रुप्स में रिक्वायरमेंट अलग है। मैं आपको पहले इनकी बॉडी वेट बताती हूँ, इसमें बॉडी वेट सबका कितना दिया गया है 55, सारे ग्रुप्स के। कितने ग्रुप्स हैं आप नोट कर लें, सेडेंट्री वर्क यानी कि कम क्रियाशील, मॉडरेट वर्क, हैवी वर्क, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन यानी धात्री माता, उसमें 0 से 6 महीना और 6 महीने से 1 साल, और वजन सबका कितना है 55। तो अब हम देखते हैं नेट एनर्जी किलो कैलोरी पर डे, कितनी उनको कैलोरीज लेनी है पर डे रिक्वायरमेंट एनर्जी की है। सेडेंट्री को कितनी है 1900। अब आप यहाँ डिफरेंस देखें कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को रिक्वायरमेंट कम होती है, क्यों कम होती है, क्योंकि उनका बॉडी मास कम होता है, उनकी हाइट जो होती है वो कम होती है, उनकी रिक्वायरमेंट कम होती है। तो पुरुषों स्त्रियों की होती है 1900, और जो मॉडरेट वर्कर है उनकी होती है 2230, और जो हैवी वर्कर लेडीज होती हैं उनकी 2850।
लेकिन अब हम अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो तीनों प्रकार की जो भी स्त्री होगी, अगर मॉडरेट वर्कर है तो उसके 350 आप ऐड कर दें, यानी कि अगर वो कम क्रियाशील वाली है तो 1900 प्लस 350, मध्यम है तो 2230 प्लस 350, और हैवी वर्कर है तो 2850 प्लस 350, तो वो ऐड करके उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया गर्भावस्था और धात्री अवस्था में रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं। उसी तरह से लैक्टेशन पीरियड में उनकी 0 से 6 महीने में प्लस 600 कर दीजिए और 6 से 12 महीने में प्लस 520 रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि 6 प्रकार के ग्रुप में रिक्वायरमेंट क्या होती है और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन पीरियड में रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अब अगर हम प्रोटीन की बात करें तो 3 प्रकार के जो क्रियाशील स्त्रियां हैं उनका बॉडी वेट 55 है तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी 55 ही होगा। जैसे पुरुषों में हमने डिस्कस किया 60 है तो 60 है, उसी तरह से स्त्रियों में भी 55 वजन है तो 55 प्रोटीन हमको पर ग्राम पर डे लेना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रेगनेंसी पीरियड की तो उनको 55 प्लस क्या करना है, 23 और ले लेना है, ठीक है, उनको 23 और ऐड कर दीजिए। इसके अलावा फिर आप देखेंगे कि लैक्टेशन पीरियड में 0 से 6 महीने में आपको 19 प्लस कर देने हैं और 6 से 12 मंथ्स में 13 प्लस कर देने हैं, यानी कि रिक्वायरमेंट बढ़ गई। 55 में आप 23 प्लस करेंगे कब, गर्भावस्था में। 55 में आप 19 का प्लस करेंगे जब वो धात्री माता का जो शिशु है वो 6 महीने तक है। जैसे वो 6 महीने से 12 महीने वाला पीरियड आता है तो अब आप 13 प्लस करेंगे, थोड़ी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। अब हम देखेंगे फैट कितना चाहिए पर ग्राम पर डे। फैट जो है कम क्रियाशील स्त्री को 20 चाहिए, 20 ग्राम पर डे, मध्यम वाले को 25 ग्राम पर डे और हैवी वर्कर स्त्री को 30 ग्राम पर डे, और प्रेग्नेंट वुमन को भी 30 ग्राम पर डे चाहिए, और लैक्टेशन के दोनों फेस में 0 से 6 मंथ्स और 6 से 12 में उनको 30-30 ही चाहिए, यानी कि फैट का रिक्वायरमेंट हर स्टेज में 30 है, सिर्फ कम क्रियाशील वाली को 20 और मध्यम को 25, नहीं तो फिर हैवी वर्कर लैक्टेशन पीरियड और धात्री माता के दोनों फेस में उसको 30-30 चाहिए। अब हम कैल्शियम के रिक्वायरमेंट आते हैं। कैल्शियम रिक्वायरमेंट सेम एज पुरुष, पुरुषों को 600 चाहिए था मिलीग्राम पर डे, तो उसी तरह स्त्रियों को भी 600 मिलीग्राम पर डे चाहिए तीनों प्रकार के कार्य करने वाली स्त्रियों में, लेकिन प्रेगनेंसी में उसको 1200 चाहिए, जस्ट डबल रिक्वायरमेंट हो जाता है कैल्शियम का, क्योंकि ग्रोथ बहुत होती है, हड्डियां मजबूत होनी चाहिए उस टाइम और बच्चे की ग्रोथ होती है, तो कैल्शियम रिक्वायरमेंट 1200। उसी तरह से धात्री माता की दोनों अवस्थाएं, जब शिशु 0 से 6 मंथ्स है और 6 से 12 मंथ्स है तो उसकी रिक्वायरमेंट भी 1200 होती है। अब आयरन अगर हम देखें तो तीनों स्टेज की जो स्त्रियां हैं उनको 21 चाहिए। अब यहाँ आप देखिए डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन, स्त्रियों की रिक्वायरमेंट आयरन की थोड़ी ज्यादा होती है। फिर अगर प्रेगनेंसी पीरियड में देखें तो अब रिक्वायरमेंट और बढ़ गई, दैट इज 35 मिलीग्राम पर डे, और लैक्टेशन पीरियड में फिर से 21 मिलीग्राम पर डे दोनों फेसेस में 0 से 6 मंथ्स एंड 6 से 12 मंथ्स। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इन्फेंट्स। इन्फेंट्स जो होते हैं उसमें 0 से 6 मंथ्स के इन्फेंट्स शिशु हो गए और 6 से 12 मंथ्स। 0 से 6 मंथ्स में बॉडी वेट कितना है, 5.4, हमने वजन जो है इसका 5.4 लगाया, और 6 से 12 मंथ्स में 8.4, एक हमने एक एवरेज वेट लिया। अब रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 0 से 6 मंथ्स का जो शिशु है उसकी 92 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डे, वजन के अनुसार है, उसका जितना वजन होगा उसको आप 92 से मल्टीप्लाई कर लें। प्रोटीन रिक्वायरमेंट 1.16 ग्राम पर किलोग्राम पर डे, यानी कि प्रोटीन का जो भी है वो आप 1.16 उनके पर किलोग्राम वेट के मल्टीप्लाई करके आप देंगे, क्योंकि इनका जो वेट है वो बढ़ता रहता है, बहुत तेज ग्रोथ होती है जब बच्चा पैदा होता है, 2.5 किलो 3 किलो, उसके बाद उसका वजन बहुत तेजी से बढ़ता है, तो हमें उसके रिक्वायरमेंट उसको वैसे ही बढ़ाते जाना है। फैट की जरूरत नहीं होती 0 से 6 मंथ्स में, और कैल्शियम रिक्वायरमेंट 500 होती है, और आयरन जो है 46 माइक्रोग्राम्स पर किलोग्राम पर डे। लेकिन अगर हम देखें तो जो शिशु की जब अवस्था 0 से 6 मंथ्स होती है तो उसकी सारी रिक्वायरमेंट मदर्स मिल्क से ही पूरी हो जाती है, और जो 6 से 12 मंथ्स है उसमें वजन 8.4 है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, कैलोरी की होगी 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डे, यानी कि आपको वेट से 80 मल्टीप्लाई करना है। प्रोटीन रिक्वायरमेंट 1.69 ग्राम पर किलोग्राम पर डे, दैट आल्सो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद वेट।
अब इनको थोड़े फैटी फैट चाहिए वो है 19 ग्राम पर डे चाहिए। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट 500 है और अगर हम आयरन की रिक्वायरमेंट देखें तो वो है 5 किलोग्राम पर डे। अब इन्फेंट्स यानी शिशुओं के बाद अब हम बात करेंगे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यानी कि बाल्यावस्था बच्चों की। बच्चों में तीन ग्रुप्स दिए गए हैं, एक तो है 1 से 3 साल, एक है 4 से 6 साल और एक 7 से 9 साल। इन ग्रुप्स में हम देखिए कि इसमें हमने बॉयज एंड गर्ल्स में डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, दोनों का कॉमन ग्रुप है क्योंकि इसमें जो ग्रोथ होती है दोनों में कॉमन होती है। और अगर हम देखें तो 1 से 3 साल में ग्रोथ फास्ट होती है, 4 से 6 में थोड़ी सी कम हो जाती है और फिर 7 से 9 में वापस ग्रोथ जो होती है फास्ट हो जाती है। अब इनका वजन देखिए, तीनों का मैं बता रही हूँ आपको, 1 से 3 में जो एवरेज वेट लिया है वो है 12.9, 4 से 6 में लिया है 18 और 7 से 9 में लिया है 25.1। दिस इज एन एवरेज वेट और इसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है। इनकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है किलो कैलोरीज की 1 से 3 साल में 1060 और 4 से 6 में 1350 और 7 से 9 में 1690। दिस इज द कैलोरी रिक्वायरमेंट। अगर हम इनको डिस्कस करें व्हाट इज द प्रोटीन रिक्वायरमेंट, प्रोटीन जो होता है इसमें, अब पहले हमने देखा जितना बॉडी वेट उतना प्रोटीन, लेकिन यहाँ पर प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज्यादा है क्योंकि इस एज में ग्रोथ बहुत फास्ट हो रही है। तो प्रोटीन जो है एक हम ये कह सकते हैं कि हमारे ग्रोथ के लिए होता है, इसलिए प्रोटीन हमें ज्यादा चाहिए बच्चों को देना है इस उम्र में। तो 1 से 3 साल में हम दे रहे हैं उनको 16.7, 4 से 6 में 20.1 और 7 से 9 में 29.5। देन कम्स फैट, फैट जो है 1 से 3 में 27, ठीक है, 4 से 6 में 25 और 7 से 9 में 30। देन कम्स कैल्शियम रिक्वायरमेंट, कैल्शियम जो है उनको 600 चाहिए तीनों ग्रुप्स में और जो आयरन है वो 1 से 3 में 9 चाहिए एंड 4 से 6 में 13 और 7 से 9 में 16 रिक्वायरमेंट है। तो अब यार आप देखेंगे कि जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो 4 से 6 में थोड़ा कम है क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि थोड़ी सी ग्रोथ उस समय कम हो जाती है, लेकिन वैसे जो है प्रोटीन रिक्वायरमेंट उनको हमें बॉडी वेट से ज्यादा देना है। अब उसके बाद आता है 10 से 12 का साल, 10 से 12 की जो एज है, अब हम इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, लड़कों की रिक्वायरमेंट और लड़कियों की रिक्वायरमेंट अब थोड़ी अलग हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द बॉडी स्ट्रक्चर। 10 से साल के जो लड़के हैं उनका हमने एवरेज वेट लिया है 34.3 और जो गर्ल्स का वजन लिया है 35। इस एज में लड़कियों का वजन थोड़ा ज्यादा होता है। कैलोरीज का रिक्वायरमेंट है बॉयज का है 2190, गर्ल्स का है 2010, ठीक है, और प्रोटीन रिक्वायरमेंट है बॉयज का 39.9 और गर्ल्स का 40.4। देन कम्स फैट, फैट दोनों में 35-35 चाहिए और कैल्शियम दोनों में 800 चाहिए, 800-800 और आयरन की रिक्वायरमेंट है दो बॉयज में 21 और गर्ल्स में 27, गर्ल्स थोड़ी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। अब हम आते हैं 13 से 15 साल की उम्र, 13 से 15 साल की उम्र के जो लड़कों का वजन है 47.6 और गर्ल्स का है 46.6, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट कैलोरीज की 2750 फॉर बॉयज एंड गर्ल्स के लिए 2330। प्रोटीन रिक्वायरमेंट बॉयज के लिए 54.3, गर्ल्स के लिए 51.9। देन फैट रिक्वायरमेंट जो है बॉयज के लिए 45 एंड गर्ल्स के लिए 40। देन कम्स कैल्शियम, दोनों एज ग्रुप्स में 800-800 और जो आयरन है वो बॉयज में 32 और गर्ल्स में 27। देन कम्स 16 to 17 years ऑफ एज ग्रुप, 16 to 17 years के एज ग्रुप में बॉयज का वेट है 55.4, दैट इज एन एवरेज वेट, गर्ल्स का हमने लिया 52.1। उनके रिक्वायरमेंट कैलोरीज की है बॉयज की 3020, गर्ल्स की 2440। देन उनका जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है 61.5 एंड 55.5, यानी कि आप देखिए वजन से थोड़ा ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अब हम आते हैं फैट, फैट बॉयज में 50, गर्ल्स में 35। कैल्शियम दोनों में 800-800 और जो आयरन है 28 और गर्ल्स में 26। तो ये हमने देखा है कि बेसिक रिक्वायरमेंट जो ICMR ने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं
जो अलग अलग हम कह सकते हैं पर्टिकुलर उन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं उनके अकॉर्डिंग व्हाट इज देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, कैलोरी रिक्वायरमेंट, व्हाट इज देयर प्रोटीन रिक्वायरमेंट, फैट रिक्वायरमेंट उनकी क्या है, उनके कैल्शियम रिक्वायरमेंट कितनी है, उनकी आयरन रिक्वायरमेंट कितनी है, ये सब हमने इसमें डिस्कस किया। अब हम आगे पढ़ेंगे कि उनके विटामिन जो होते हैं, डिफरेंट विटामिन होते हैं इसी इन्हीं एज ग्रुप्स के जो लोग हैं उनके विटामिन रिक्वायरमेंट कौन कौन से होते हैं।